नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कैबिनेट बैठक में पहले मंत्रीगणों से चर्चा। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से अनेक अभियान शुरू हुए। प्रधानमंत्री जी इस दिन मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देकर गए। इस दिन अफ्रीका से चीते मध्य प्रदेश लाए गए। भारत में चीता आना ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। 11 अक्टूबर को महाकाल महाराज की कृपा से बने श्री महाकाल लोक का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ। इन दोनों प्रोग्राम की सफलता के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। 1,00,000 लोग प्रतिदिन आ रहे हैं श्री महाकाल लोक परिसर में। श्री महाकाल लोक की व्यवस्था स्थायी रूप से चले, इसलिए कल मैं फिर उज्जैन जाऊंगा। हर गांव से लोग जल लेकर निकले और रुद्र सागर में जल अर्पित करें, इसकी रूपरेखा बनाएं। कल गृह मंत्री अमित शाह के कर कमलों से मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में प्रारंभ करने की सामाजिक क्रांति की शुरुआत हुई। मेरे मन में अत्यंत संतोष है। मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने अंग्रेजी के चलते मानसिक रूप से परेशान होकर पढ़ाई छोड़ दी। अंग्रेजी के मिथ को तोड़कर नई सामाजिक क्रांति का उद्भव हुआ है। मैं विश्वास सारंग और टीम को बधाई देता हूं। दिन और रात टीम ने काम किया, इसकी पूरे देश में अनुगूंज है। हमारी जिम्मेदारी है कि और गहराई में बैठकर अब चिंतन करें। हिंदी और अंग्रेजी वाले की मेरिट लिस्ट भी अलग बनाएंगे। एक बड़ा टास्क है, सफल करना है। 22 अक्टूबर को धनतेरस के दिन 1,50,000 गृह प्रवेश का कार्यक्रम है। पीएम मोदी भी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। घर घर गांव गांव दीपक जले, सभी लोग जुड़े। कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा तैयार करें। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। धनतेरस के दिन 4,50,000 हमारे गरीब ग्रामीण परिवारों को अपना आवास मिलना है, उनका गृह प्रवेश का कार्यक्रम होना है। और 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी स्वयं बड़चली जुड़ेंगे इस कार्यक्रम से। और हमने बहुत अच्छे कार्यक्रम गृह प्रवेश हमने पहले भी किए हैं अपने अपने प्रभार के जिले में। ये गृह प्रवेश का कार्यक्रम गाँव गाँव में हो, जिसका घर है उसके घर। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।